हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है HCF। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि HCF है क्या चीज़ और HCF निकालने का प्रोसेस क्या है, और आपके लिए जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि HCF निकालने का सुपर ट्रिक्स क्या है जो शॉर्टकट में आप टाइम सेविंग करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक रहिए और ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं दिलवर, मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे बात करेंगे कि HCF है क्या। HCF का और नाम एक नाम है दोस्तों, वो की है GCD, मीन्स ग्रेट कॉमन डिविजर। और HCF मीन्स दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता लग जाए, यहाँ पर देखिए दो नंबर है 8 और 12। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा है दोस्तों कि दोनों का फैक्टर करके दोनों का कॉमन होगा वो फैक्टर, और सबसे बड़ा होगा वही है HCF। सो दोस्तों, और भी आप बोल सकते हैं दोनों का ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हैं उस, और वो नंबर सबसे बड़ा होगा, तो वो है ग्रेट कॉमन डिविजर। इसको इसका और एक नाम HCF। सो दोस्तों, ये तो हो गया HCF क्या है। अब दोस्तों आपके साथ बात करेंगे कि HCF निकालने का प्रोसेस क्या है। HCF आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का HCF निकलना है। तो देखिए 8 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और 12 को हमने लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए इस वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा दोनों में से कॉमन होगा, दोनों में से कॉमन। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन, और दोनों का सबसे जो कम पावर है छोटा पावर वही होगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा पावर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हो जाएगा 4। और भी कुछ तरीका है दोस्तों HCF निकालने का, तो दोस्तों उसके बारे में हम ज़्यादा बात अब से नहीं करेंगे, आपके साथ बात करेंगे सुपर ट्रिक्स जो है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का HCF क्या है। तो देखिए इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालना है आपको। इसे डिफरेंस आपका 12 माइनस 8 4। तो देखिए अब आपको देखना है कि 4 8 का मल्टीपल है या नहीं, और 12 का मल्टीपल है या नहीं, यानी कि 4 8 का डिविज़र है कि नहीं, और 12 का डिविज़र है कि नहीं, इन दोनों का डिविज़र है कि नहीं। तो देखिए इसमें 4 जो है 8 का डिविज़र है, और 12 जो है 4 का डिविज़र है, और इन दोनों को डिवाइड करके हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक से। यहाँ पर देखिए 3 नंबर हैं, 24 32 एवं 154। तो आपको पहले देखना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा डिफरेंस क्या है। तो देखिए 24 और 32, तो इसमें देखिए डिफरेंस है 8, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 8। तो इनका डिफरेंस लेने का ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको देखना है कि 8 इन तीनों का डिविज़र है कि नहीं। लेकिन दोस्तों 8 24 का डिविज़र है, 32 का है, लेकिन 54 का नहीं है। अब दोस्तों आपको देखना है कि 8 को किन किन नंबर से डिवाइड करता है। तो देखिए दोस्तों 8 से डिवाइडेड होगा, और होगा 4 से डिवाइड होगा, 4 इंटू 2 8, और होगा 2 इंटू 4 8, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों जो बड़ा है उनमें से चेक करिए इसी तरह। तो देखिए 8 24 से डिवाइडेड है, 32 डिवाइड करता है, और 54 नहीं है। इसी तरह 4 को भी
24 को डिवाइड करता है 32 को और 54 को नहीं डिवाइड करता है। इसके बाद देखिए 2 है 24, 32, 54 इन तीनों को ही डिवाइड करते हैं तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, 4, 8 आपका आंसर नहीं होगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि बड़े से स्टार्ट करना है, अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 सबका डिविजर है, लेकिन दोस्तों 1 आंसर नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मांगा है आपसे। तो चलिए दोस्तों और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 60 है और 24 है, तो लोग पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 36। अब देखिए 36 60 को भी डिवाइड नहीं करता और 24 को भी डिवाइड नहीं करता। अब इस टाइम दोस्तों आपको देखना है कि 36 किन किन नंबर से डिवाइडेड है। तो देखिए पहले बड़ा से सोचना है कि तो 36 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, लेकिन दोस्तों 60 और 24 को डिवाइड नहीं करता। फिर देखिए उसके बाद 12 जो कि है 36 को डिवाइड करता है और 60 और 24 को भी डिवाइड करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर 12। अगर दोस्तों आप 18 ले लेते हैं, 18 36 को डिवाइड करता है लेकिन 60 और 24 को डिवाइड नहीं करता, तो इस टाइप का आप निकालने के लिए आप पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 36 दिखे 1 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है 36, 3 से डिवाइडेड है और 4 से डिवाइडेड है और 6 × 6 से डिवाइडेड है और 12 से डिवाइडेड है, 18 से डिवाइडेड है। अगर आप इस साइड से चेक करते जाएंगे तो 18 नहीं होगा क्योंकि 60 और 24 को डिवाइड नहीं करता और 12 जो कि है 60 और 24 दोनों को डिवाइड करता है। तो इस टाइप में आपका 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, तो इन तीनों में से सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से होगा 30 और 48 में डिफरेंस होगा 18। अब देखिए दोस्तों 18 किन किन नंबर से डिवाइडेड है, तो 18 खुद 18 से डिवाइडेड है, वो तो नहीं होगा। उससे पहले आपको देखना है कि 18 इन तीन नंबरों को, इन तीन नंबरों को सबको डिवाइड करता है कि नहीं, लेकिन दोस्तों नहीं करता है। तो इससे कम देखिए 9 जो कि है 18 को डिवाइड करता है, 9 × 2 तो 9 देखिए 30 को डिवाइड नहीं करता तो 9 आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए 6 × 3 18 तो देखिए 6 30 को डिवाइड करता है, 48 को भी करता है और 96 को भी करता है। तो इस टाइप में आपका आंसर हो जाएगा 6 जो कि है 30 को, 48 को और 96 तीनों को डिवाइड करता है। तो आपका HCF हो जाएगा 6। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप इस चैनल का सब्सक्राइबर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी